मुसलमानों, पूरा एक हफ्ता हो गया है फ्रांस ने गुस्ताखाना खाकों का ऐलान किया रसूल अल्लाह अलैहि सलाम के खिलाफ। फ्रांस के सदर ने उन गुस्ताखाना खाकों की हमायत कर ली। पाकिस्तान में दो मजहबी जमातों के अलावा कोई एक शख्स भी मैदान में नहीं आया। अब ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है कि आपकी पल्स को चेक किया जाए कि क्या अब इनके दिलों में वो चिंगारी बाकी है इश्क मुस्तफ़ा की, यह खत्म हो चुकी है। और पहले हमेशा से हम सबसे पहले होते थे मुसलमान पाकिस्तान के, इस बार बहुत पीछे रह गए। और तो उम्मत में से किसी ने जागना नहीं है, किसी दुनिया का कोई भी मुसलमान मुल्क इस पे नहीं निकलता, सबसे पहले पाकिस्तानी निकलते हैं, उसके बाद पूरी उम्मत मुत्तहिद होती है। अब उम्मत को मुत्तहिद करने वाला पाकिस्तान खुद बेगैरत हो चुका है। पाकिस्तान से मुराद मुल्क नहीं, हम लोग बेगैरत हो चुके हैं। हजूर अली सलाम के नाम पर सारी जिंदगी चंदा बटोरने वाले वो सारे पीर, उनमें से एक की भी स्टेटमेंट नहीं आई। नामूस रिसालत का मामला हो या खत्म नबूवत का मामला हो, मजॉरिटी ऑफ द पीस दे आर स्लीपिंग। उन्हें सिर्फ चंदों से ये बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स ले ली, बड़े बड़े महल बना लिए। जब हजूर के हुरमत और नामूस का मामला आया तो सारे झुग्गियों में घुस के बैठे हुए हैं कि नाम फोर्थ शेड्यूल में आ जाएगा। उनको ये डर है कि शायद कोई पुलिस आगे गिरफ्तार करके ले जाएगी। ये मामला हजूर अलैहिस्सलाम की हुरमत और नामूस का मामला है। तमाम पाकिस्तानी 11 सितंबर को फौरन जुम्मे के बिल्कुल बाद अपनी अपनी मस्जिदों से रैलियां लेके लियाकत बाग रावलपिंडी पहुंचे, और हर मकतब फिक्र का मुसलमान मुझे वहां पर नजर आए, हर सियासी और मजहबी जमात का मुसलमान मुझे उधर नजर आए। आपका इमाम मस्जिद नहीं आता ना आए, आपका पीर नहीं आता ना आए, आपका मौलवी नहीं आता ना आए, आप निकलो। ये मामला मौलवी या पीर का नहीं है सिर्फ, ये मामला हर मुसलमान का है, ये मामला पूरी उम्मत का मामला है। इमाम मालिक से किसी ने कहा कि कोई गुस्ताखी करता है तो क्या होना चाहिए, कहते हैं उसको मर जाना चाहिए। और जब यह कहा जाए, दोबारा सवाल किया कि अगर वो गुस्ताख जिंदा रहता है तो इमाम मालिक फरमाते हैं फिर पूरी उम्मत को मर जाना चाहिए, उम्मत के बाकी रहने का कोई जवाब नहीं रहता। 11 सितंबर दिन 2 बजे लियाकत बाग रावलपिंडी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।